आशुतोष नगरी जिंदाबाद, आशुतोष नगरी जिंदाबाद, पहाड़वाद जिंदाबाद, पहाड़वाद जिंदाबाद, जय पहाड़ जय पहाड़ी। अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ। सोने की को यहाँ से गिरफ्तार किया ना, ताकि ये अनिश्चितकालीन धरने पर न बैठे, आवाज उठाए या उनका अपना कोई एजेंडा। और आशुतोष नेगी और इस प्रकार के जो स्वयंभू तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनका इनका मकसद मेरी समझ से कुछ और है। इन्हें अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। इनका मकसद हमारे समाज में अराजकता फैलाना है, वैमनस्य फैलाना है। लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, न्यूज़ कोर देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ लता। और जिस तरीके से उत्तराखंड में इस वक्त जो है माहौल बना हुआ है, हालांकि तमाम जो पार्टियां हैं राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने चुनाव के अलग अलग तरीके से तैयारियां कर रही हैं, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें। लेकिन जिस तरीके से बीती रोज जो वाक्या पौड़ी से सामने आया अंकिता हत्याकांड को लेकर, हालांकि पिछले 1.5 साल से लगातार ये मांग हो रही है कि उसको आखिर उसके परिवार को इंसाफ कब मिलेगा। और सबसे शर्मनाक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि जो स्थानीय पत्रकार जो है जिनकी गिरफ्तारी करा दी गई है आशुतोष नेगी की, जो कि लगातार जब से अंकिता केस हुआ था, आखिर वो काली गाड़ी में कौन आने वाला था, इन तमाम मसलों को लेकर जो है वो परिवार के साथ खड़े हुए हैं। पिछले 1.5 साल से जो है हंगामा प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हो रहा है कि आखिर क्यों नहीं अंकिता को जो है न्याय मिल रहा है, क्यों तमाम सरकार की तरफ से सिर्फ बातें ही की जा रही है। तो देखिये किस तरीके से, अब क्योंकि चुनावी ये समय है और चुनावी समय में किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो जाए सरकार के खिलाफ, किसी भी तरीके से कोई मुद्दा बड़ा ना बन जाए, इसको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से जो है अनावश्यक रूप से आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी करा दी गई। आपने वीडियो देखा होगा जिसमें जो है जबरन जो पुलिस से आशुतोष नेगी को पकड़ कर ले जा रही है, और उसमें आशुतोष नेगी दरअसल साफ तौर पर पुलिस को मुर्दाबाद कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अपने आप को जिंदाबाद कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि अपनी आवाज को और ज्यादा बुलंद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि आखिर क्यों सरकार इन तमाम सवालों से बचने की कोशिश कर रही है, क्यों जिसके लिए इनिशिएट सरकार को खुद करना चाहिए था वो लोगों की आवाज दबाने का काम कर रही है। और सबसे मजे की बात यह है कि पुष्कर सिंह धामी जो है आज देहरादून में सशक्त महिला समृद्ध महिला का देखिए कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी कि आप एक तरफ से महिलाओं को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सशक्त बनाने की बात करें, लेकिन खुद किस तरीके से जो अन्याय जिन महिला बच्चों के साथ हुआ है उनका कितना अपमान कर रहा है ये सबके सामने है। और दूसरी ओर आखिर क्यों आशुतोष नेगी के पीछे जो है शासन प्रशासन लग गया है, वो इसलिए क्योंकि जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल थे वो दरअसल उनका लगातार समर्थन करने लाजमी मामला है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका अक्सर सरकार को घेरने की रहती है। ऐसे में जिस तरीके से आशुतोष नेगी लगातार जो है सरकार के खिलाफ अपनी बयानबाजी को तेज करते हैं, मामले मुद्दे उठाते हैं, ये दरअसल बड़ा कारण है कि जो गणेश गोदियाल है वो समर्थन इस पूरे मामले का कर रहे हैं। ये दरअसल बड़ी वजह है कि राज्य सरकार की आंखों में अब कांटे की तरह शायद हो सकता है कि आशुतोष नेगी चुभ रहे हैं, जिनके खिलाफ जो है अननेसेसरी कार्रवाइयां की जा रही है। लेकिन ये वाकई बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदेश के लिए कि एक और जहां सरकार महिलाओं को बढ़ाने की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, समृद्ध नारे की और सशक्त महिला की बात करती है, वहीं दूसरी ओर किस तरीके से जहां पर वाकई महिला के हक की बात होनी चाहिए उस तमाम पल्ला अपना झाड़ लेती है, वाकई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से जो मामला पौड़ी में लोगों का हंगामा चल रहा है, लोगों का आक्रोश हो रहा है, लेकिन लंबे समय से जो है लोग अपनी मांग रख रहे हैं, और अब परसों के बाद से जब से आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया गया तभी से लगातार जो ग्रामीण पौड़ी के हैं वो अपना प्रदर्शन जो है उग्र सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इसमें अपनी आंख मूंद कर बैठी हुई है। क्योंकि अगर हम आशुतोष नेगी की बात करें तो ये कोई अंकिता का सिर्फ एक मसला नहीं है, चाहे भू कानून की बात हो, चाहे राज्य में रोजगार की बात हो, चाहे राज्य में स्वास्थ्य की बात हो, ऑल वेदर रोड को लेकर भी लगातार जो है उनकी तरफ से हंगामा किया गया, तो तमाम जो जनहित के मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े परेशानियों से जुड़े जो तकलीफ के मुद्दे हैं जनता के लिए, उन तकलीफों को पहाड़ वासियों की दिक्कतों को अक्सर उजागर करने का काम जो है आशुतोष नेगी करते आए हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह मानी जा रही है कि आशुतोष नेगी का मुंह बंद करने के लिए चुनावी समय में बेवजह
अंकिता केस से जुड़े मामले पर नहीं, जबकि एसटी एससी केस से जुड़े मामले पर जो है उनकी गिरफ्तारी करा दी गई है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जिन लोगों की बात खुद सरकार को करनी चाहिए, प्रशासन को करनी चाहिए, बड़े बड़े जो है पुलिस के आला अफसर है उन्हें करनी चाहिए, वो किस तरीके से षड्यंत्र बता रहे हैं। जी हाँ, जो अभी प्रदेश के नए नवेले डीजीपी हैं अभिनव कुमार, वो क्या कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इस पर, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल जो आशुतोष नेगी जो कि एक मामूली से साधारण से पत्रकार है, आपकी तरह हमारी तरह इंसान है, उन पर ये आरोप लग रहा है कि वो दरअसल एक बहुत बड़ी साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं, अराजकता का माहौल राज्य में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए सरकार के खिलाफ अनर्गनल बयानबाजी जो है वो की जा रही है। यानी कि देखिए किस तरीके से जो डीजीपी नए नवेले बने हैं अभी अभिनव कुमार, वो भी सरकार की भाषा बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये वाकई बेहद ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण एक राज्य के लिए हो जाता है जब जो प्रदेश के स्थानीय मुद्दे जो कि जिन पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, उनको छुपाने के बजाय किस तरीके से लोगों को ही पीड़ित बना दिया जाता है। और अंकिता केस तो किसी से छुपा नहीं है, किस तरीके से पौड़ी में एक छोटी सी बच्ची के साथ जो है गलत कृत्य किया गया, उसे मार दिया गया, लेकिन उसका खुलासा हालांकि अब तक नहीं हुआ है कि आखिर वो काली गाड़ी में कौन आ रहा था। हालांकि सरकार की कार्रवाई पर सवाल तब भी खड़े हुए थे जब तुरंत आनन फानन में रात में आप सोचिए जो रिजॉर्ट था उस रिजॉर्ट को ही ध्वस्त कर दिया गया, बुलडोजर उस पर चला दिया गया। आखिर क्यों भाई इतनी जल्दीबाजी आपको थी कि आपने तुरंत ही सबूत को मिटाने की कोशिश की? पहले आप जांच करते, फॉरेंसिक टीम वहां पर जाती, लेकिन क्योंकि शायद कहीं ना कहीं ये सरकार को पता होगा इस पूरे मामले पर कि आखिर काली गाड़ी में कौन वहां पर पहुंचने वाला था जिसके लिए अंकिता को, छोटी सी बच्ची को जो है प्रेशराइज किया जा रहा था और उसे छुपाने का काम सरकार ने किया। ये आरोप उन पर लगातार लगते रहे हैं, इसलिए उसको रिजॉर्ट को ध्वस्त कर दिया गया। और अब डेढ़ साल से जो आशुतोष नेगी लगातार अंकिता के परिवार के साथ खड़े हुए हैं, और ना ही सिर्फ आशुतोष नेगी नहीं बल्कि पूरा गांव पौड़ी का अंकिता के साथ खड़ा हुआ। और इस चुनाव में, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है, हालांकि 3 सीटों पे बीजेपी ने अपने उम्मीदवार तो जरूर खड़े कर दिए, लेकिन पौड़ी पर अभी थोड़ी चिंता का विषय बरकरार है, क्योंकि पौड़ी से जो वर्तमान में सांसद है तीरथ सिंह रावत, उनका कोई परफॉर्मेंस खास अच्छा नहीं है। तो ऐसे में अब ये जो मुश्किलें आशुतोष नेगी सरकार के लिए बढ़ा रहे थे, अंकिता का केस बार बार उठाकर उनके परिवार का साथ देकर, क्या ये बड़ी वजह मानी जाए कि जो है साफ तौर पर तुरंत आशुतोष नेगी को गिरफ्तार करा दिया गया? ऐसे में क्या आप लोगों के मन में सवाल नहीं आता क्या, क्योंकि आप इस प्रदेश की जनता है, नागरिक है, और अंकिता सबकी बेटी है, उत्तराखंड की बेटी है, तो क्या आप लोगों के दिल में ये सवाल नहीं आता कि आखिर क्यों नहीं सरकार के पास तमाम तंत्र है, अपनी ताकत है, इतनी शक्तियां हैं, उसका इस्तेमाल कर क्यों नहीं एक छोटी सी बच्चे को न्याय वो दिला पा रहे हैं? हालांकि इसको लेकर लगातार आप लोगों के भी कमेंट्स आ रहे थे कि इस पर एक वीडियो बनाइए, इसलिए दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि आप लोग अंकिता के लिए क्या कर रहे हैं, क्या आप लोग अंकिता के परिवार के लिए, न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से जो ये वाकया हुआ है पिछले दिनों, आशुतोष नेगी को जो गिरफ्तार किया गया है, और मजे की बात यह कि एसटीएससी मामले पे, यानी कि दूसरे मामले पे, क्योंकि आप सीधे तो नहीं बोल सकते कि आप सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो आपको गिरफ्तार होना पड़ेगा, लेकिन देखिए किस तरीके से जो है सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये जो है हथकंडा उत्तराखंड में पुलिस की तरफ से इस्तेमाल किया गया, जिसका सीधा साफ उदाहरण अगर आप अभिनव कुमार का बयान सुनेंगे किस तरीके से नए नवेले डीजीपी ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं, ये बोलते दिखाई पड़ रहे हैं कि दरअसल ये षड्यंत्र है, यानी कि सरकार के खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाता है तो वो दरअसल पाकिस्तान से जुड़ा हुआ होता है, वो षड्यंत्र होता है, वो प्रदेश में अराजकता फैलाना चाहता है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी करता है क्या? यह हालांकि सवाल तमाम लगातार उठ रहा है, लेकिन जिस तरीके से अंकिता से जुड़े मामले को लेकर ये जो किया गया है, ये जो एजेंडे के आरोप आशुतोष नेगी पर लगाए गए हैं, पत्रकार वो है वहां के स्थानीय पत्रकार, ऐसे में ये शर्म की बात है। इसमें सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर क्यों सरकार बार बार अंकिता के केस में मदद करने के बजाय इन मामलों को छुपाने में लगी हुई है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।